जो फौजी है मैं ऐसा मानता हूं कि उनका सम्मान करना हमारा फर्ज है, और वैसे भी भारत की यह परंपरा रही है, भारत ने कभी पैसे की पूजा नहीं की, भारत ने अगर पूजा की है तो वीरता की पूजा की है और त्याग की पूजा की है, और इसलिए जहां त्याग है जहां वीरता है उसकी पूजा करना यह हमारा फर्ज है। और इसलिए मैं तमाम भारतवासियों की ओर से, महाराष्ट्र के तमाम नागरिकों की ओर से हमारे सभी शहीद परिवारों को यहाँ पर बहुत बहुत नमन करता हूँ, और मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोग आज आपके साथ हैं। सुनील राणे जी ने यहाँ पर यह कहा कि पिछले समय जब इस कार्यक्रम में मैं आया था उस समय हम लोगों ने तय किया कि हमारे शहीद परिवारों को हम जो मदद करते हैं, वैसे तो मैं फिर एक बार ये कहना चाहता हूँ कि शहादत का कोई मोल होता ही नहीं, लेकिन हमारे परिवारों को ये लगे कि हम उनके साथ में हैं, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। और इसलिए जब मैं मुख्यमंत्री बना उस समय हमारे राज्य में शहीदों को केवल हम 3 लाख रुपए देते थे, मैंने बनने के बाद उसको 8 लाख किया, पिछले साल हमने उसको 25 लाख किया, और आज मैं निश्चित ये घोषणा करता हूँ कि हमारे शहीदों को, उनके परिवारों को अब हम 50 लाख रुपया यह महाराष्ट्र में निश्चित रूप से देंगे, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा फर्ज भी है। और इसके साथ साथ हमने ये भी फैसला किया कि हमारे शहीदों के परिवारों को हम 2 हेक्टर जमीन देंगे, और उसके लिए हमने हमारे जिलाधीशों को, जिलाधिकारियों को ये अधिकार दे दिया है कि वो खेती के लिए 2 हेक्टर जमीन जिले के स्तर पर ही हमारे शहीद परिवारों को दे दे, और इसके लिए सारे निर्णय ये राज्य की सरकार ने लिए हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी निर्णय किया है कि अभी तक परमवीर चक्र और अशोक चक्र जिन्हें मिलता है उन्हें राज्य की ओर से हम लोग गौरव के रूप में 30 लाख रुपए की राशि देते थे, आज से वो 60 लाख रुपए हम लोग कर रहे हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक और महावीर चक्र, कीर्ति चक्र को हम 18 लाख रुपया देते थे, उसको आज से हम लोग 36 लाख रुपया कर रहे हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा पदक, उसके लिए हम 12 लाख रुपए देते थे, वो हम 24 लाख रुपए कर रहे हैं। सेना, नौसेना, वायुसेना पदक के लिए हम लोग 6 लाख रुपया देते थे, आज से वो 12 लाख रुपए हम कर रहे हैं। मेंशन इन डिस्पैच, इसको 3 लाख से 6 लाख तक हम बढ़ा रहे हैं। और साथ ही में परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना, नौसेना, वायुसेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक, ये सभी के लिए अभी तक जो राशि हम देते थे उससे दुगनी राशि आज के बाद हम देंगे, इसका निर्णय भी हमने यहाँ पर लिया है। साथ ही में हम लोग शौर्य पदक, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम युद्ध सेवा पदक, ऐसे अलग अलग पदकों के लिए जो हम लोग अनुदान देते थे, प्रतिमाह अनुदान देते थे, वो 1320 से लेकर 16500 तक हम देते थे, अब उसको भी दुगना करने का हमने निर्णय लिया है, और 2500 से लेकर 33000 तक हम लोग अब ये अनुदान जो है ये हम लोग देंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये करते समय हमें इस बात का बहुत बहुत गर्व है, ये जो हम लोग कर रहे हैं ये कोई बहुत बड़ी बात है ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी सेना हमारे लिए काम करती है, जिस प्रकार से हमारी सेना हमारी रक्षा करती है, और जिस प्रकार से हमारी सेना ने आज दुनिया को ये दिखा दिया है कि भारत एक कमजोर देश नहीं है, भारत एक मजबूत देश है, और इस देश की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, मैं ऐसा मानता हूँ कि इससे हमारा फर्ज बनता है। वैसे भी हमने देखा इससे पहले दुनिया में केवल 2 देशों को माना जाता था कि उनके शहीद जवानों की हत्या का बदला ले सकते हैं, ऐसे 2 ही देश थे, अमेरिका और इज़राइल, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उसमें 3रे देश का नाम जुड़ा, और वो देश हमारा भारत देश है। और हमारी सेना ने बता दिया कि अगर कोई आकर हमारे सैनिकों की हत्या कर सकता है तो उसकी सीमा में घुसकर उसको तहस नहस करने की ताकत
हमारे सैनिकों में भी है, हमारी भी सेना में है, और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ ये हमारी सेना की ताकत है। या फिर जिस प्रकार से डोकलाम में जाकर हमारी सेना ने चीन को रोकने का काम किया है, जिस चीन की सेना को अमेरिका के बाद सबसे मजबूत सेना माना जाता है, उस सेना को भी रोकने का काम जिस प्रकार से हमारे देश के नेतृत्व ने और हमारी इस सेना ने किया है, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी सेना ने भारत की प्रतिमा को दुनिया के मजबूत देशों में शुमार करने का काम किया है। और इसलिए हम सब लोग मिलकर हमारी सेना को सल्यूट करते हैं, उसका बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। और साथ ही में मैं फिर एक बार हमारे सभी शहीदों को बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ, उनके परिवारों का बहुत बहुत यहाँ पर अभिवादन करता हूँ। और एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम सुनील जी आपने आयोजित किया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। जोरदार तालियां। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हम इनके समक्ष इनके साक्षी यहां पर बैठे हैं। इनकी वीर गाथाओं के वर्णन और चर्चे जो है वो पूरे हिंदुस्तान में है। तो जब तक ये नीचे आ रहे हैं इनके लिए एक बार पूरा टोंग गूंजना चाहिए तालियों से।
आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अहम है। ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैं अतरवा फाउंडेशन और सुनील राणे जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जो ये कार्यक्रम सेकंड ईयर दूसरे साल भी कर रहे हैं। ये देश के लिए जो कुर्बान हो जाते हैं, ऐसे वीर जवानों के लिए ये कार्यक्रम है, उनको सम्मान करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। एंड हम लोग अगर सुरक्षित हैं हमारे अपने अपने घर में पूरा देश में, तो सिर्फ इन वीर जवानों की वजह से, जो कश्मीर में ऐसे ऐसे आतंकवादियों और कई भी किसी भी किस्म के परिस्थितियों में लड़ झगड़ कर रहने वाले हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। एंड दे आर ऑल वेरी यंग बॉयज हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ फॉर द कंट्री, सो वी रियली वी सल्यूट देम। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोग्राम वेयर वी आर ऑल टुगेदर हियर। वो तुषार मुझे दिया गया है ये, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं है कौन क्या है। ये जो कैप्टन तुषार महाजन के बारे में मैं बोलने वाली हूँ, उनकी कहानी, जो कैसा उन्होंने वीरता के साथ आतंकवादियों का सामना करते हुए बेचारे चल बसे हैं। मुझे जगह